हेलो दोस्तों दोस्तों यदि आप अपने आधार कार्ड में कोई करेक्शन कराना चाहते हैं, किसी प्रकार का कोई सुधार कराना चाहते हैं, आपके आधार कार्ड में कोई मिस्टेक या गलती हो गई है, उसको आप ऑनलाइन घर से बैठ करके ही ठीक करना चाहते हैं, तो आप इसको ऑनलाइन किस प्रकार से करेंगे, किस किस डॉक्यूमेंट की आपको यहाँ पर ज़रूरत होगी, जिससे कि किसी प्रकार की कोई भी यहाँ पर ऑब्जेक्शन आपके आधार कार्ड करेक्शन में ना लगे, तो पूरी जानकारी आपको मैं स्टेप बाई देने वाला हूं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं, मैंने यहां पे एक पीडीएफ ओपन किया हुआ है। यहां पे आप देख सकते हैं आधार कार्ड ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट हैं यहां पे मैंने खोले हुए हैं। यहां पे आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन। यहां पे जो लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की, डॉक्यूमेंट आप जिस प्रकार से करेक्शन कराना चाहते हैं, जिस प्रकार की करेक्शन आप कराना चाहते हैं, जैसे कि आप नेम में करेक्शन कराना चाहते हैं, अपने डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन कराना चाहते हैं, अपने एड्रेस में किसी प्रकार का बदलाव कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे वही डॉक्यूमेंट आप यूज करेंगे जो डॉक्यूमेंट आधार कार्ड ऑफिशियल पे बोला गया है। तो आप यहां से देख करके तभी वो डॉक्यूमेंट यूज करेंगे, तभी आपकी करेक्शन हो पाएगी और किसी प्रकार की कोई भी यहां पे डिले या ऑब्जेक्शन आपके जो करेक्शन है उस एप्लीकेशन पे नहीं लगेगा। तो आपको बहुत ध्यान से ये लिस्ट जरूर देख लेनी है। यदि आपको ये लिस्ट चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। तो चलिए मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको ऑनलाइन बता देता हूँ, यहाँ पे आपको किस किस डॉक्यूमेंट की यहाँ पे कैसे कैसे जरूरत होगी। तो चलिए दोस्तों हम इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं POI यानी कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग नेम एंड फोटो, तो यहाँ पे दोस्तों साफ साफ दिया गया है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो दोस्तों यदि आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले पासपोर्ट दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड, उसके बाद यहाँ पे राशन कार्ड और यहाँ पे वोट कार्ड, इस प्रकार से अलग अलग ड्राइविंग लाइसेंस, इस प्रकार से यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। आप वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे यूज कर लेंगे जो डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल हो। तो इस प्रकार से आप डॉक्यूमेंट की पूरी लिस्ट देख लेंगे, तभी आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, तो इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप चेंज करा सकते हैं। यदि आप आधार कार्ड सेंटर पर जाकर के भी इसको अपडेट करना चाहते हैं तो यही डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, जिससे कि आप वहाँ पे भी सुधार करा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप जैसे ही नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 32 डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं और इस साइड में भी वन डॉक्यूमेंट अलग से दिया गया है। आप ये डॉक्यूमेंट देख करके और यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट आपको ध्यान से देख लेने हैं, उसके बाद अपने पास रखने हैं जब आप अपलोड करने के लिए स्टेप वाइज स्टेप वहाँ पर पहुँचे, तो यही डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। तो चलिए आगे मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो अदर जो करेक्शन है उनमें किस डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे जरूरत होगी। तो जैसे ही आप यहाँ पे नीचे की तरफ आते हैं, तो नीचे की तरफ आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे POR प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट कंटेनिंग नेम ऑफ एप्लीकेंट एंड नेम ऑफ हेड ऑफ फैमिली। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, यदि आप प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप किसी प्रकार का अपने रिलेशन में बदलाव कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे इन डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत होगी। नेम ऑफ HOF का मतलब यहाँ पे हेड ऑफ फैमिली से है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। यदि आप अपना रिलेशन चेंज करना चाहते हैं किसी के साथ हेड ऑफ फैमिली के साथ में, तो आपको उसके साथ जो आपका रिलेशन है उसको लेकर के जो डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। नंबर एक यहाँ पे PDS कार्ड है, नंबर दो यहाँ पे मनरेगा जॉब कार्ड है, उसके साथ CGHS स्टेट गवर्नमेंट, ECHS, ESIC मेडिकल कार्ड, पेंशन कार्ड, आर्मी कैंटीन कार्ड। इस प्रकार से आप डॉक्यूमेंट ध्यान से देख लेंगे, यहाँ पे 14 डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग नेम एंड DOB। तो यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। तो दोस्तों डेट ऑफ बर्थ बदलवाने के लिए आपको यहाँ पे नाम के साथ में डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ यहाँ पे लगाना होगा। तो यहाँ पे आपका नेम भी होना चाहिए और साथ में यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी उसमें मेंशन होनी चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे आप लगा सकते हैं, SSLC बुक सर्टिफिकेट आप यहां पे लगा सकते हैं, पासपोर्ट यहां पे लगा सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ इशूड बाय ग्रुप ए गजेट ऑफिस ऑफ UIDAI स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट फॉर एनरोलमेंट अपडेट। तो इस प्रकार से आप डॉक्यूमेंट देख लेंगे और डॉक्यूमेंट देख के यहां पे लगा सकते हैं। और यहां पे 9 डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, इन 9 डॉक्यूमेंट्स में से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास में होगा तो वो आप यहां पे दस्तावेज यूज करके और अपलोड कर लेंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान से देख लेने हैं जिस चीज़ की करेक्शन आप कराना चाहते हैं, ये डॉक्यूमेंट आपको चूज कर लेना है, उस डॉक्यूमेंट को अपने पास में रखना है ताकि आप आराम से इसमें करेक्शन करा पाएं।
तो चलिए दोस्तों अब हम करेक्शन करने के लिए देख लेते हैं कि न्यू वेबसाइट में 2022-23 में किस प्रकार से आप इसको करेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है, क्रोम या फिर फायरफॉक्स, कोई भी ब्राउजर आप यूज करते हैं, मोबाइल से, डेस्कटॉप से या फिर आप पीसी से, किसी भी प्रकार से आप इसको ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे SSUP आधार अपडेट। तो जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे तो सबसे पहला जो लिंक है आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल। तो यहाँ पे आप सेल्फ से इसको अपडेट कर सकते हैं अपने आधार कार्ड को। तो यहाँ पे ये वेबसाइट आपको मिल जाएगी, आपको इस वाले लिंक पे क्लिक करना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से भी आप इस पे डायरेक्ट आ सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे इस पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे न्यू पोर्टल जो है वो आपके सामने खुल जाएगा, उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे लॉगिन दिया गया है, आपको ध्यान से देख लेना है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर से आपके सामने आधार कार्ड और अदर डिटेल जो है वो डालने की जगह यहाँ पे खुल जाती है। यहाँ पे आपको आधार कार्ड अपना डाल देना है, उसके बाद ये वाला जो कैप्चा कोड है आपको यहाँ पे डाल देना है, उसके बाद आपको सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। और सेंड OTP डालने के बाद जब OTP आपके पास में आ जाता है तो ये हाईलाइट हो जाएगा, उसके बाद OTP डालने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं पूरा स्टेप ये कंप्लीट कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने आधार कार्ड नंबर डाल दिया है, उसके बाद मैंने कैप्चा कोड डाल के और सेंड OTP यहाँ पे कर दिया है। अभी यहाँ पे सेकंड चले हुए हैं और जो OTP है वो मोबाइल नंबर पे चला गया है। तो चलिए OTP हमारे पास आ चुका है तो मैं यहाँ पे OTP डाल देता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप यहां पे OTP डालेंगे तो नीचे की तरफ हमारा जो लॉगिन का ऑप्शन है वो हाईलाइट हो जाता है, आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जो वेबसाइट है रेडिगेट करके आपको अगले पेज पे लेके चली जाती है। आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन खुल के आ गए हैं, तो ये ऑप्शन आपको ध्यान से देख लेने हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहां पे डाउनलोड आधार कार्ड का जो ऑप्शन है वो यहां पे दिया गया है, यहां से आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ऑप्शन से आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड जो ऑप्शन दिया गया है ऑर्डर आधार PVC कार्ड, यदि आपके पास आधार कार्ड अपना PVC कार्ड यानी कि प्लास्टिक वाले कार्ड में अपडेट करना चाहते हैं तो आप यहां से अपना प्लास्टिक वाला आधार कार्ड मंगवा सकते हैं। यहां पे कुछ चार्जेज हैं, वो चार्जेज पे करने के बाद जो आपका आधार कार्ड है वो प्लास्टिक वाला आधार कार्ड आपके पास मिल जाता है, यानी कि PVC कार्ड आपको मिल जाता है। उसके बाद यहां पे ऑनलाइन अपडेट सर्विस, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, डाटा ऑफ योर आधार कार्ड, तो यहाँ पे कुछ जो करेक्शन हैं वो दी गई हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कौन कौन सी सर्विस आप घर से बैठ करके ऑनलाइन ही कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक हेयर टू अपडेट दी नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एंड एड्रेस, ये जो सर्विसेज हैं वो घर से बैठ करके आप ऑनलाइन चेंज कर सकते हैं। आप अपने नेम की करेक्शन कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ को बदल सकते हैं, जेंडर को चेंज कर सकते हैं और एड्रेस को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बैंक लिंकिंग स्टेटस यहाँ पे दिया गया है, यदि आप बैंक का कोई लिंक स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ नीचे की तरफ जनरेट वर्चुअल आईडी, यदि आपको कहीं पे किसी भी सर्विस में आधार कार्ड की वर्चुअल आईडी की ज़रूरत पड़ती है तो आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक, तो यहाँ पे आप अपने आधार कार्ड को जो डिजिटल लेन देन है उसके लिए आप इसको लॉक अनलॉक भी यहाँ से कर सकते हैं। अथोर्टिकेशन हिस्ट्री, यहाँ पे आपका आधार कार्ड कहाँ कहाँ पे यूज हुआ है, कहाँ कहाँ पे अथोर्टिकेट किया गया है, तो यहाँ पे पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। उसी के साथ यहाँ पे ऑफलाइन KYC अगर आप करना चाहें वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे ऑनलाइन अपडेट की बात करेंगे, तो चलिए मैं यहाँ पे ऑनलाइन अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर से आप न्यू पेज पे यहाँ पे रेडिकेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्लीज सेलेक्ट दी टाइप ऑफ ऑनलाइन आधार अपडेट, तो यहाँ पे आपको किस टाइप का जो अपडेट है वो करनी है। हेड ऑफ फैमिली अभी यहाँ पे लॉक्ड है, तो अभी ये आप यहाँ पे नहीं कर सकते। इसी के साथ आप यहाँ पे अपडेट आधार ऑनलाइन यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं, सिलेक्ट दी डेमोग्राफिक फील्ड टू अपडेट फ्रॉम द लिस्ट थ्रू दिस ऑनलाइन पोर्टल, यू कैन अपडेट योर नेम, माइनर करेक्शन ओनली, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एंड एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एंड बायोमेट्रिक डाटा, प्लीज विजिट द नियरेस्ट आधार सेवा केंद्र। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है, आप यदि इसमें कोई भी करेक्शन यहाँ पे दी गई है, जितनी भी करेक्शन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे आपको जो भी डेमोग्राफिक डाटा जो है अपडेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट करेंगे और आपका जो मोबाइल नंबर है वो अपडेट होना चाहिए, तभी आप इसको जो है वो चेंज करा सकते हैं। आप यहाँ पे मोबाइल नंबर यदि आपका पहले कोई और दिया गया है उसको चेंज कराना चाहते हैं, पहले आपने किसी रिलेटिव का या अपने किसी घर के किसी मेंबर का आपने नंबर दिया हुआ है और उसको आप यहाँ पे बदलवाना चाहते हैं,
तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सेकंड यहाँ पे दिया गया है, प्लीज एंटर द रिक्वायर्ड डेमोग्राफिक डाटा, सम ऑफ द डेमोग्राफिक डाटा रिक्वायर्ड सिलेक्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट, प्लीज बी केयरफुल व्हाइल एंटरिंग द डेमोग्राफिक डाटा और सिलेक्टिंग फ्रॉम द ड्रॉप डाउन एक्शन। तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से देख लेना है जो करेक्शन आप करना चाहते हैं, तो आपको ये सब चीजें बहुत ध्यान से यहाँ पे देख लेनी है। ये वाला जो स्टेप है मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट बहुत ध्यान से देख लेना है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया आपको डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा ध्यान से देख लेना है। यदि आपके डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक रहती है तो आप यहाँ पे इसको अपडेट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्रॉस साइन वगैरह बिल्कुल ध्यान से देख लेने हैं, तभी आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करें, तभी यहाँ से आप फीस कट कराएंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पे अभी फीस के बारे में यहाँ पे बताया गया है, मैं आपको फीस दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो फीस है वो भी यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे अगर पढ़ना चाहें ये पूरी जानकारी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे SMS के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों उसके बाद आपको नीचे की तरफ यहाँ पे प्रोसीड का जो ऑप्शन दिया गया है, प्रोसीड टू अपडेट आधार, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आप फिर से एक न्यू पेज पे यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, सिलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग आधार डाटा फील्ड टू अपडेट। यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेनी है जिसको आप अपडेट करना चाहते हैं। यहाँ पे जितने भी दी गई हैं जिनको आप ऑनलाइन घर से बैठ करके कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे जरूरी बात आपको बता दूं, बहुत ध्यान से आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप नेम में दो बार ही केवल अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है 2 टाइम अपडेट यहाँ पे आप कर सकते हैं, यानी कि आप दो बार के बाद अगर तीसरी बार यहाँ पे अपडेट करना चाहें तो आप इसको अपडेट नहीं कर सकते। और उसके साथ डेट ऑफ बर्थ यदि आप अपडेट करना चाहते हैं, यहाँ पे केवल 1 टाइम यहाँ पे दिया गया है, केवल आप एक ही बार यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर सकते हैं। जेंडर भी आप केवल एक ही बार यहाँ पे बदलवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस अगर चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे मैनुअली कितनी बार भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी लिमिटेशन यहाँ पे नहीं दी गई है, लेकिन आपको नेम और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे और जेंडर, ये तीनों करेक्शन आपको बहुत ध्यान से चेक करके ही डालनी है। चलिए अब हम यहाँ पे करेक्शन करके देख लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ एड्रेस। तो यहाँ पे एड्रेस मैं अपडेट करूँगा, और यहाँ पे आप चाहें तो नेम भी कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ कर सकते हैं, जेंडर कर सकते हैं। और मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बता चुका हूँ, उन डॉक्यूमेंट्स में से आपको अपने पास में रख लेना है। उसके बाद आपको प्रोसीड अपडेट आधार कर देना है। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपको पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो प्रोसीड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर से आप एक न्यू पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एड्रेस है यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद दोस्तों एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे यदि आप देखेंगे एड्रेस चेंज करने के लिए यहाँ पे 3 स्टेप दिए गए हैं। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप यहाँ पे पेमेंट का है। यहाँ पे आपको केवल 50 रुपये पे करने हैं। जो भी करेक्शन आप करना चाहें तो यहाँ पे आप करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो SRN नंबर है वो यहाँ पे जनरेट हो चुका है। तो इसी के साथ यहाँ पे करंट डिटेल इन्होंने मेरे को दिखा दी है कि मेरी जो करंट एड्रेस जो है आधार कार्ड पे अभी क्या है। तो मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ कि मेरा जो एड्रेस है वो क्या है। तो दोस्तों जहाँ पे आप रहते हैं केयर ऑफ, वहाँ का एड्रेस आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, यानी कि केयर ऑफ यहाँ पे दिया गया है। यदि आपके पिताजी का नाम है तो आप यहाँ पिताजी का नाम, यदि आप किसी की वाइफ हैं तो आप अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और यदि आप किसी के पास यहाँ बिल्डिंग में रहते हैं तो यहाँ नेम भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आप ऊपर की तरफ नाम डालेंगे वो यहाँ हिंदी में नीचे की तरफ टाइप हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको जो अपनी बिल्डिंग है, एड्रेस है, अपार्टमेंट का जो भी एड्रेस जो रहेगा वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद घर और अपार्टमेंट का जो एड्रेस है नीचे की तरफ यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको अपनी रोड लाइन जो रहेगी वो यहाँ पे डाल देनी। उसके बाद आप पिन कोड अपना डाल देंगे। पिन कोड आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं और वैसे भी अपना आधार कार्ड पे भी किसी के देख सकते हैं और अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन पे भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे चाहे तो आप डिजी लॉकर से यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है डिजी लॉकर। तो डिजी लॉकर एक एप्लीकेशन है, आप शायद जानते ना हो, लेकिन इसको अगर आप डाउनलोड करते हैं यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं, जिससे कि जो डॉक्यूमेंट है वो विश्वसनीय हो जाते हैं यदि आप डिजी लॉकर पे उसको यूज करते हैं। डिजी लॉकर से आप डायरेक्टली इस पे अपलोड कर सकते हैं और अपलोड करने के बाद आपको अन्य किसी जगह पे ये डाउनलोड या अपलोड करने की जरूरत नहीं रहती है। अब यहाँ पे हम मैनुअली यदि अपलोड करना चाहते हैं, यहाँ पे लिखा गया है मैनुअल अपलोड, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और अपना जो भी डॉक्यूमेंट आपका रहेगा वो यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट चूज कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है जो मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बताए थे वो टोटली डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिए गए हैं। चलिए उसके बाद जब आप यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे यूज कर लेंगे, जैसे कि मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे कर देता हूँ, ओके कर दूंगा। उसके बाद आप देख सकते हैं व्यू डिटेल एंड अपलोड डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपको अपलोड पे क्लिक करना है
और कंटिन्यू अपलोड पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू अपलोड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जो आपका डॉक्यूमेंट रहेगा वो आपको चूज कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट यहाँ पे चूज कर लेता हूँ, तो ये जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे 100% अपलोड हो चुका है। यदि आप चाहें, यदि आपसे कोई गलती हो चुकी है तो आप यहाँ से इसको हटा भी सकते हैं, और यदि आप चाहें तो बदल भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे नीचे की तरफ नेक्स्ट देख सकते हैं, यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पे नेक्स्ट पेज यानी कि आप प्रीव्यू पे यहाँ पे आ जाते हैं। आप यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं, यदि किसी प्रकार की कोई यहाँ पे आपको मिस्टेक लगती है तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे एडिट इसके ऊपर दिया गया है। और यदि आप चाहें तो डॉक्यूमेंट भी उसके बाद चेंज कर सकते हैं, और इसको आप बड़े ध्यान से यहाँ पे चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। इसके साथ आपका जो एड्रेस है वो भी यहाँ पे, जो पुराने वाला रहता है वो भी यहाँ पे दिया गया है। उसी के साथ आप यहाँ नीचे की तरफ यदि आएंगे तो नीचे की तरफ आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे न्यू एड्रेस जो रहेगा वो यहाँ पे आपके सामने शो हो जाएगा। जैसे कि मेरे सामने यहाँ पे एड्रेस आया हुआ है। यदि आप कोई और करेक्शन कर रहे हैं वो भी यहाँ पे लिख के आ जाएगी, और न्यू जो करेक्शन करेंगे वो भी यहाँ पे लिख के आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप इसको अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे की तरफ कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे ही आप नीचे की तरफ आएंगे यहाँ पे आपको इनको एक्सेप्ट कर लेना है। टर्म एंड कंडीशन है, कुछ यहाँ पे अथोरिटिकेशन आपको देनी होती है, तो ये दोनों आपको टिक मार्क कर देने हैं। तो चलिए मैं इन पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इन पे क्लिक करूँगा तो देखिए ये तो हाईलाइट हैं हो चुके हैं, और साथ ही हमारा नेक्स्ट का जो बटन है वो भी हाईलाइट हो चुका है। तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम लास्ट वाले ऑप्शन यानी कि पेमेंट पेज पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमें पेमेंट के लिए बोला जा रहा है, डियर रेजिडेंट यू विल बी चार्ज ₹52 एक्सेस दी ऑनलाइन अपडेट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे आपको ₹50 चार्ज जो है वो देना होगा, तभी आप इसको अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे एक्सेप्ट इसको कर लेते हैं। उसके बाद हम मेक पेमेंट पे क्लिक कर देते हैं। जब आप ये पेमेंट वाले पेज पे चले जाएंगे तो प्रोसेस पेमेंट, तो यहाँ पे आपको पेमेंट करनी है। आप यहाँ पे जो भी पेमेंट मेथड यूज करना चाहते हैं, कोई सा भी मेथड यूज करना चाहें, क्रेडिट कार्ड से यदि आप पेमेंट करना चाहते हैं, वॉलेट से आप किसी प्रकार का वॉलेट यूज करते हैं जैसे कि एयरटेल मनी हो गई या पेटीएम वगैरह, कोई भी वॉलेट यूज करते हैं तो वो यूज कर लेंगे। नेट बैंकिंग से आप पे करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं। यहाँ पे सभी बैंक जो हैं आपके सामने शो हो जाएंगे, जिससे भी आप चेंज करना चाहें। तो यहाँ पे आप नीचे की तरफ आएंगे, UPI से पे करना चाहें UPI से भी पे कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना जो पेमेंट है वो क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे यदि आप पेमेंट का कोई भी ऑप्शन जो है वो चूज करेंगे, उसके बाद आपको प्रोसीड कर देना है। तो प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पे इस प्रकार से जो पेमेंट का पेज है वो दिखाई दे जाता है। आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करके और ये पेमेंट आपको कट करा देनी है। जो भी आप पेमेंट गेटवे चूज करेंगे उसके माध्यम से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद लगभग एक सप्ताह के अंदर आपकी जो करेक्शन है वो हो जाती है, उससे पहले भी हो सकती है और थोड़ा समय भी लग सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो कंप्लीट प्रोसेस है वो कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो जानकारी को लाइक और शेयर जरूर कर दें, ताकि और लोगों को भी ये जानकारी मिल सके। तो दोस्तों ऐसी ही फ्यूचर में जानकारियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो नई जानकारी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।